साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोस पर जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ये 200+200 वाट का जो बोर्ड होता है उसी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो कार स्टूडियो बोलते हैं इसको, कार स्टूडियो का बोर्ड है ये, बट इसको कारवार में नहीं लगाया जाता, ज़्यादातर ट्रक वगैरह जैसी बड़े वाहनों में लगाया जाता है और इसकी काफ़ी अच्छी आउटपुट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 5241/43 पे बेस्ड होता है ये, और यहाँ पे कैपेसिटर आप देख सकते हो काफ़ी हैवी लगे हुए होते हैं इसके अंदर। मैं अगर आपको इसकी वैल्यू दिखा पाऊँ तो ये 2263, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो 2263, इसके अंदर 50 वोल्ट 50 पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 12 वोल्ट देनी होती है बैटरी से जो आती है, इसके अंदर वो जो छोटी बैटरी होती है वो काम नहीं करेगी। इसमें कम से कम आपको 30 एम्पियर की बैटरी होती है वो लगानी होती है, तो जाके ये अच्छे तरीके से इसकी आउटपुट निकल पाती है। 10 एम्पियर से भी आउटपुट निकलेगी बट वो जल्दी बैटरी खराब हो जाएगी। आप इसकी हेडसिंक वगैरह देख सकते हैं काफ़ी हैवी लगी हुई है यहाँ पर। तो अभी टोरॉइड वोरॉइड ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको इसको ही चला के दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों इसके अंदर मैंने सब चीज़ कोशिश करी है अच्छी से अच्छी क्वालिटी लगाने की ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी आप इस तरीके का कोई भी बोर्ड चलाते हो ये या कोई सा भी बोर्ड, तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि यहाँ पे फ़ैन लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जो आपको चला के दिखाऊंगा बिना फ़ैन के चला के दिखाऊंगा, बट आप जब भी चलाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं चलाऊंगा, बट आप जब भी चलाओगे तो यहाँ फ़ैन बहुत ज़रूरी रहता है लगाना, क्योंकि 50/50 पे चलेगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हीट होएगा। ये वाले जो मॉस्फेट है इन पे आप भले ही फ़ैन ना लगाओ तब भी चलेगा ये, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हीट नहीं होंगे, बट ये जो ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगा रहता है वो ज़्यादा हीट होता है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे फ़ैन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको सिंपली इसी वाले बोर्ड को चला के दिखाऊंगा, जिसकी कि आउटपुट आपको इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगेगी, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बेस्ट ट्रेबल के साथ चला के दिखाऊंगा, तब आपको काफ़ी सही लगेगी वीडियो में। इसे चलाते वक्त ये 15 एम्पियर का मेरे पास एक एम्पियर मीटर है, इसे भी कनेक्ट करूँगा जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना आउटपुट वो कितनी इनपुट इसको चाहिए। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको छोटी छोटी जम्पर वायर लगानी होगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे से माइनस से लेकर के आपको यहाँ एक यहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ भी कर सकता हूँ माइनस से माइनस पे, ठीक है। एक इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से एक यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये माइनस हो गया। और एक और वायर आपको जोड़नी है प्लस के लिए, जो कि यहाँ से जुड़ेगी। हालांकि दोस्तों ये सारे के सारे कनेक्ट थे, मैंने इन्हें हटा के फिर से आपको वायरिंग करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ये वाली वायर हो गई, जो एक ये लाल वाली जिसपे मैंने अभी हाथ रख रखा, और एक ये दूसरी लाल वाली, ये दोनों बस यहाँ से माइनस लेके जा करके यहाँ तक का पहुँचाने के लिए ग्राउंड। आप एक वायर से भी हाथ रख के फिर यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ये पूरी एक वायर हो जाएगी। और जो ये वाली वायर देख रहे हो ये प्लस इस वाले बीच तक पहुंचाने के लिए होगा। जो दूसरी सप्लाई होती है छोटे वाले, उसमें भी यही सिस्टम होता है, उसमें सिर्फ एक वायर जुड़ती है, ये वाली जुड़ी हुई रहती है पहले से ही, ये वाली भी जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो अब ये दो वायर हो गई, उसके बाद हम इसके अंदर जोड़ेंगे, मैं ये स्पीकर वायर जोड़ लेता हूँ। ये स्पीकर वायर है दोनों ग्रीन कलर की, तो इसमें देखना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें हल्का सा यहाँ पर ब्लैक कलर होता है, तो जो ब्लैक वाला साइड है उसे रखना माइनस पे। ये इसलिए रखना होता ताकि जिस टाइम आप स्पीकर पे लगाने जाओगे थोड़ी सी आसानी रहेगी। बस सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कर देता हूँ मैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक, जैसे कि ये कार्ड है, ये कार्ड डायरेक्ट नहीं चल पाएगा, तो इसे चलाने के लिए एक 7805 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये रहा मेरे पास। इसका मैं बता देता हूँ एक बार, जिस तरफ 78 लिखा होगा आपके इसमें वो लगेगा 12 वोल्ट पे, 78 के बाद 0 यानी कि ग्राउंड, फिर 5 वोल्ट जो होगी वो आपके कार्ड पे जुड़ेगी। ये मैं जोड़ूंगा यहाँ पे बैटरी वाले पिन पे, ठीक है। तो यहाँ जोड़ देता हूँ मैं इसको, उसके बाद आपको एक ये वायर की जरूरत पड़ेगी,
जो ये कार्ड के साथ ही आती है, उसके बाद हमें इसके अंदर यहाँ पे लगाना है और पीछे साइड से आपको देखना है 5 वोल्ट किधर का है, तो 5 वोल्ट इस तरफ का है जैसे कि आप ही देख सकते हैं। तो 5 वोल्ट और ग्राउंड मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो 5 वोल्ट तो इस वाले पिन पे ही लग जाएगा, ग्राउंड नीचे वाले पे कनेक्ट कर देता हूँ। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि 8005 जो है वो सीधा ही रहे, कहीं टकराए ना नीचे, टकराएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक ये मैं ले लेता हूँ प्लस वाली वायर, जो कि प्लस वाले साइड कनेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पीछे साइड इसी जगह पे फ्यूज लगा हुआ है, उसके बाद फिर एक लगेगी माइनस की वायर। ये रही माइनस की वायर, कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसके ऊपर, तो ये हो गई प्लस माइनस वाली। उसके बाद एक लगेगी इसके अंदर ये 3-0 की वायर, 3-0 में से जो बीच वाला होता है वो ग्राउंड होता है, बाकी साइड साइड के लेफ्ट राइट, तो बीच वाले को ग्राउंड कर देता हूँ मैं, ये हो गई। अब दोस्तों जो ये 3 कोर है मैं इसको इसके अंदर फंसा देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो चुका है कनेक्ट। अब उसके बाद इसके अंदर कोई काम नहीं रह गया फिलहाल, मैं इसको डायरेक्ट चला के दिखा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी अच्छी आवाज़ है, थोड़ी खटर खटर की आवाज़ आ रही है इसके अंदर, क्योंकि ये इसके ऊपर से होके जा रहा है वायर, जो ये ब्लूटूथ का है ऊपर से डायरेक्ट कार्ड में लगा हुआ तार है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब बेस टेबल के साथ चेक कराऊंगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी, जो ये इस तरीके से आ रही है। और इस टाइम पर अगर मैं आपको इसकी बात करूँ कि ये कितना गर्म हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, ये समझ लो मैं थोड़ी भी देर तक इसके ऊपर हाथ नहीं रख पा रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया। और इसकी बात करूँ तो ये ज़रा भी गर्म नहीं हुआ, बहुत महसूस भी नहीं हो रही है इसकी गर्मी। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे हीट है, तो मतलब जैसे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी है, उस वजह से हल्का फुल्का गर्म हुआ है, कंडेंसर तो खैर होंगे ही नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है ये वाली जो हेड सिंक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इसके ऊपर फ़ैन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ की बात करूँ तो ये छोटे छोटे ये जरा मरा से होंगे, ये उतने ही होंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ही फ़ैन लगा देना। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेस्ट ट्रेबल की वीडियो के साथ। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।